नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आशीष त्रिपाठी TCL YouTube चैनल पे, जिसमें आप सीख सकते हैं इंग्लिश भाषा की व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर। हियर वी आर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ आज का वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसकी सहायता से हम किसी से बातचीत के दौरान प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में किसी से प्रश्न कैसे पूछें। अंग्रेजी में प्रश्न पूछने के बहुत सारी ग्रामर में अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला सबका सेम रहता है। प्रश्न पूछने के आधार पर, प्रश्न पूछने की जो व्याकरण होती है उसमें प्रश्नों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न पूछने के तरीके जो होते हैं, एक होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा होता है ऑक्सली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और ऑक्सली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अंतर क्या होता है? ऑक्सली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हिंदी भाषा में क्या शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को कहते हैं। हिंदी भाषा में जो प्रश्न क्या शब्द से शुरू हों और जिनका उत्तर यस और नो में ही आए, यानी जिनका जवाब केवल यस या नो ही हो सकता है। और हिंदी में वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, क्या शब्द से। उदाहरण के लिए, क्या आप खाना खाते हैं, आंसर क्या आएगा, हाँ या नहीं। क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, हाँ या नहीं। क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया, हाँ या नहीं। क्या भारत चीन पर हमला करेगा, हाँ या नहीं। तो ऐसे प्रश्न जो हिंदी भाषा में क्या से शुरू हों और उनका उत्तर हाँ या नहीं में आए, उन्हें ऑक्सली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनको इंग्लिश में बोलने के लिए वे जिस ग्रामर के सेंटेंस हैं उस ग्रामर की ऑक्सली सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर वे नकारात्मक हैं तो नॉट आएगा, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे प्रश्न जो हिंदी भाषा में क्या शब्द से शुरू होते हैं और उनका उत्तर यस या नो में आता है, उन्हें ऑक्सली इंट्रोगेटिव कहते हैं। उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर अपनाते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न वे होते हैं जिनमें वाक्य के मध्य में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितने ऐसे शब्द आते हैं और उसके कारण वह वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, उन्हें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं। बहुत सारे उन्हें WH फैमिली के प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नवाचक शब्द या बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द WH से ही स्टार्ट होते हैं। देखिए, राम क्या खाता है, इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं आएगा। राम कब जाता है, हाँ या नहीं में नहीं आएगा। राम कहाँ रहता है, राम क्यों जाता है, राम कैसे जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। ऐसे प्रश्न जो वाक्य के मध्य में क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे आ जाने के, प्रश्नवाचक शब्दों के आ जाने के कारण प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, उन्हें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार के प्रश्न पूछने के तरीके अंग्रेजी भाषा में होते हैं, एक ऑक्सली इंट्रोगेटिव और एक क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ऑक्सली इंट्रोगेटिव में प्रश्न कहाँ से शुरू होता है, क्या से, और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में प्रश्न कहाँ से शुरू होता है, किसी भी शब्द से हो सकता है, लेकिन वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, राम कहाँ जाता है, राम कब जाता है, राम कैसे जाता है, राम क्यों जाता है। तो क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो वाक्य के मध्य में इन प्रश्नों के, प्रश्नवाचक शब्दों के आने के कारण जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं। उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है उसकी इंग्लिश, अगर हमारा सेंटेंस है राम कहाँ जाता है तो कहाँ की इंग्लिश वेयर,
फिर उसके बाद जिस ग्रामर का सेंटेंस है उसकी ऑक्जिली, फिर सब्जेक्ट अगर नकारात्मक है तो नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। आशा है दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर लिखा है ऑक्जिली इंट्रोगेटिव का और ये लिखा है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का। आज के वीडियो में हम लोग केवल एक ग्रामर के प्रश्नवाचक वाक्य लेंगे, वो है प्रेजेंट इनडिफिनिट। प्रेजेंट इनडिफिनिट सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और ऑक्जिली इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कैसे बोले जाएंगे। प्रेजेंट इनडिफिनिट के लिए नाम लेते ही आपको याद आ गया होगा ऐसे वाक्य जो हिंदी में ता है ती है ते हैं पे ख़त्म होते हैं और जिनकी सिचुएशंस होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट हैबिट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट सेंसरी एक्सप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट डिजीज टू द सब्जेक्ट, प्रेजेंट पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड या क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे वाक्य जिनमें ये भाव हों और हिंदी में बोलने पर ता है ती है ते हैं आता है, वे सेंटेंस प्रेजेंट इनडिफिनिट के होते हैं। प्रेजेंट इनडिफिनिट में ऑक्जिली के रूप में यूज होता है डू अथवा डज और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो ये मैंने रिवीजन करा दिया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट पे मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं पॉजिटिव सेंटेंस के भी, नेगेटिव सेंटेंस के भी, और आज सबको एक साथ किया है जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बीच में रिश्ता क्या होता है। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट अंग्रेजी भाषा में माना जाता ही, शी, इट या कोई नाम। प्रोनाउन के रूप में ही, शी, इट आएगा तो उसे सिंगुलर प्रोनाउन माना जाएगा और कोई नाम आएगा वो तो सिंगुलर प्रोनाउन होता ही है। प्लूरल सब्जेक्ट अंग्रेजी में मानते हैं आई, यू, वी अथवा दे को। मैं, आप या तुम, हम और वे, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हैं तो अंग्रेजी भाषा में वाक्य बोलते वक्त हमारे स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे? अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्जिली यूज नहीं होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें कैसे, वह जाता है, इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसके साथ जो क्रिया आई है उसकी सिंगुलर फॉर्म लगेगी। पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑक्जिली का प्रयोग नहीं होता है, तो ही गोज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या हो जाएगा? मैं जाता हूँ, आई गो। अगर सब्जेक्ट दे हो तो वे जाते हैं, दे गो। तो पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट के आपको रिवाइज हो गए होंगे। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज ऑक्जिली लगेगी और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू ऑक्जिली लगेगी, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं जाता है, ही डजंट गो। डज नॉट का कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डजंट। ही डजंट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। डू नॉट अलग अलग लिखा है लेकिन स्पीकिंग में आप क्या करेंगे, डू नॉट को जोड़ देंगे डोंट, क्योंकि जब हम फ्लुएंट बोलते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। I don't go. We नहीं जाते हैं, they don't go. Is it clear? चलिए चलते हैं ऑक्जिली इंट्रोगेटिव के ऊपर। अगर सेंटेंस हिंदी भाषा में क्या से शुरू हो और उसका उत्तर हाँ या नहीं में आए तो वो कैसे प्रश्न हो जाएंगे? ऑक्जिली इंट्रोगेटिव। ऑक्जिली इंट्रोगेटिव इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जिस ग्रामर के होते हैं उसकी ऑक्जिली से ही शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट की, तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऑक्जिली इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो कहाँ से शुरुआत होगी? डज से। डज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू ऑक्जिली लगेगी, डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो। क्या वे जाते हैं? डू दे गो। अगर ये नकारात्मक हो जाए तो क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाने की कोशिश मत करिएगा,
Does he not go? क्या मैं नहीं जाता हूँ? Do I not go? क्या वे नहीं जाते हैं? Do they not go? तो this is a auxiliary interrogative format. आइए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में चलते हैं. क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और ऑक्सली इंट्रोगेटिव में केवल ये क्वेश्चन वर्ड का अंतर होता है. ऑक्सली इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में केवल शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे. अगर सेंटेंस के मध्य में क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे शब्द आने के कारण वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है तो वो होगा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले जो कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में आया है उसकी इंग्लिश, फिर ऑक्सली डज, सब्जेक्ट सिंगुलर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सली डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. देखते हैं एग्जांपल. वह क्यों जाता है, हम प्रश्नवाचक शब्द कौन सा ले रहे हैं, क्यों. वह क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई. फिर वह है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऑक्सली क्या लगेगी, डज, व्हाई डज ही गो. मैं क्यों जाता हूं, व्हाई डू आई गो. वी क्यों जाते हैं, व्हाई डू दे गो. अगर ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो यानी इसमें प्रश्न के साथ साथ निगेटिविटी भी हो तो क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं जाता है, व्हाई डज ही नॉट गो. मैं क्यों नहीं जाता हूं, व्हाई डू आई नॉट गो. वे क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू दे नॉट गो. यानी नॉट कहां पे लगेगा, दे के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट की पोजिशनिंग होगी. इस पूरे फिगर को हमने मेहनत से बनाया है कि आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और सारी चीज़ों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इतनी सारी ग्रामर होती हैं जिनको एक बार आप समझते हैं तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन लंबे अरसे तक आपके पास रिटेन कैसे रहेंगी, जब बार बार आप उनका रिविज़न करते रहेंगे. तो जो भी ग्रामर मैंने पहले पढ़ाई थी उनको भी इसी में रिवाइज किया है. जिसका पार्ट टू बनाऊंगा उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट को भी लेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम एडअप करेंगे. दो चीज़ें याद रखिएगा, ऑक्सली इंट्रोगेटिव में डज ही नॉट या डजंट ही ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है. इसमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाएंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी. ऐसा है आपको प्रश्नवाचक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझ में आ गए होंगे. याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज ऑक्सी लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू ऑक्सी लगती है, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सी नहीं लगती है, निगेटिव ऑक्सली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सब में ऑक्सली का प्रयोग होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी इट या कोई नाम. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई यू वी दे. प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूनिवर्सल सिचुएशंस क्या बताई, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट हैबिट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट सेंसरी एक्सप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट डिजीज टू द सब्जेक्ट और प्रेजेंट पोजीशन, कंडीशन, डेजिग्नेशन, मूड और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट. कल के ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम और इसको एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे और आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे. आपको हम सलाह देंगे कि सभी सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं एक साथ बोलिए, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, व्हाई डज ही गो, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, व्हाई डू आई गो. इस तरीके से आपके माइंड के न्यूरॉन्स पॉजिटिव निगेटिव ऑक्सली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की स्पीकिंग करते वक्त जो आपके मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र है वो 360 डिग्री एक्सरसाइज करता है, जिससे वो मजबूत बनते हैं और बहुत सेंसिटिव बनते हैं, जिससे स्पीकिंग के दौरान आप कहीं पर फंबल नहीं करते, आप कहीं स्टक नहीं होते, आप कहीं ग्रामर नहीं भूलते. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जब आपको अंग्रेजी में इंटरव्यू देना होता है तो आपके पास और बहुत सारे कंटेंट होते हैं आंसर के सोचने के लिए, आप ग्रामर के ऊपर उस वक्त नहीं सोच सकते. तो ग्रामर के लिए अभी सोचिए, इस वीडियो से सीखिए और अभ्यास कीजिए. जितना अभ्यास करेंगे उतना सरल हो जाएगा. और एक बार आपने रेगुलर अभ्यास कर लिया फिर उसके बाद भाषा का ज्ञान आपके हाथ से नहीं जाएगा. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन बटन दबा सकते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे.
फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।